मद्रास उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुदुचेरी के राज रोल के अधिवक्ताओं और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अपने साथ जुड़े जूनियर अधिवक्ताओं को 15,000 से 20,000 रुपए का मासिक वजीफा देने को कहा है। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति सी कुमारप्पन की पीठ ने इस प्रकार पहले के एक निर्देश को संशोधित किया जिसे अदालत ने बुधवार 12 जून को जारी किया था और राज्य में बार एसोसिएशन को मासिक वजीफा देने के लिए कहा था। गुरुवार को जारी अपने आदेश में कोर्ट ने अधिवक्ताओं को यह राशि अदा करने का निर्देश दिया। इस प्रकार अदालत ने न्यूनतम वजीफा चेन्नई, मदुरई और कोयम्बतूर में प्रैक्टिस करने वाले युवा वकीलों के लिए 20,000 रुपए और अन्य जिलों के वकीलों के लिए न्यूनतम 15,000 रुपए तय किया। अदालत ने कहा कि राशियां राज्य में प्रचलित व्यय लागत को ध्यान में रखकर तय की गई हैं। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि कानूनी पेशे में प्रत्येक हितधारक का ये कर्तव्य है कि वो ऐसा माहौल बनाए जहां प्रत्येक सदस्य मूल्यवान महसूस करे और उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी वकीलों को उनकी लिंग पहचान की परवाह किए बिना वजीफा दिया जाना चाहिए। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।